हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ, ये जस्ट परीक्षा वीडियो है, ठीक है, जो आपकी खुद की प्रिपरेशन आपको खुद से भी डिफरेंस करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे से टास्क टू ऐसे वगैरह बाय भी करते हो जो कि आने के चांसेस है, तो भी आप खुद से प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स मेरा गैस पेपर है जो कि 90% ट्रू आता है, हर बार ट्रू आता है, इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी कहीं से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट ऐसा नहीं कि आप पूरे इस पर डिपेंड हो जाए, गारंटी कोई भी नहीं है, बट 90% चांसेस है कि उसी में से आपको टॉपिक आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल बात करें 10 अक्टूबर 2020 के आज के एग्जाम्स के बारे में, तो इजी ही होने वाला है, ठीक है। लिसनिंग रीडिंग जैसे कि इजी आ रहे, तो मोस्ट चांस है कि अब की बार भी इजी ही आएगी। जैसे कि थर्मल देख के हैं, टास्क टू पूरा भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है। जो भी टास्क टू है आने के चांसेस है, वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, तो ये है स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट, ठीक है। इसका लिंक आपको मैं भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, बट इससे पहले समझ लीजिए कि इसके आने के कैसे चांसेस है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास 5 वेब्स हैं जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, वो भी अक्टूबर के, जो कि सेल करूँगा, एज वेल एज 16 Q कार्ड्स भी हैं जो भी आप बाई कर सकते हैं, उन्हीं में जाए एग्जाम में आने के टॉपिक के चांसेस है। सितंबर के डिफरेंस है, अक्टूबर के डिफरेंस है, जिन्होंने सितंबर के बाय करने हैं वही मेरे से बाय कर सकते हैं, क्योंकि आरसी एग्जाम 26 सितंबर का नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, टास्क टू के बारे में बात करें, तो टास्क टू जो 4 मेरे पास अवेलेबल है, तो आपको कुछ स्टेटमेंट की वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, रीडिंग टिप्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, रीडिंग के जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब मोस्ट चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी साथ मिल जाएगी। इसके ओवरऑल प्राइस है स्टूडेंट्स ओनली 300 रुपीज़ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है स्टूडेंट्स। ओके, जिसने बाइक का नाम है आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट, टास्क टू ये होने वाला जो कि आपकी एग्जाम से आने के चांसेस है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हो सकता है इन्वायरमेंट पर। ओके, तो मोस्ट चांसेस है कि आपको टॉपिक एनवायरनमेंट रिलेटेड हो सकता है। तो क्या टॉपिक हो सकता है, उसके कौन कौन से आइडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं स्टूडेंट्स, साथ उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दिस डेज गार्बेज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मेजर कॉजेस ऑफ द पॉल्यूशन, व्हाट आर द रीजंस एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, एंड गिव योर ओन ओपिनियन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आजकल जो है कचरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू हैविंग लॉट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, इसके क्या क्या रीजंस है, क्या इसके सोल्यूशन है, वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट हमको एक्सप्लेन करने हैं। तो अभी शुरू पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट आपको नीचे इसका लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसने पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, एंड बेटर नॉलेज देखना चाहता है, जो भी राइटिंग का मटीरियल बाय करना चाहता है, मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपको मे भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, एज वेल एज थंबनेल आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके स्टूडेंट्स जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे से ले सकते हैं, एज वेल एज जो भी मटीरियल है मेरे से बाय कर सकते हैं, बेटर स्कोर अपने आरसी एग्जाम में ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मोस्ट ऑफ परीक्षा में ज़्यादा ट्रू ही आती है, आप रिसेंट परीक्षा वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने रिव्यू दिया, 90% सभी ट्रू थे, जो भी चीज़ें मैंने सेल की थी। या कुछ एक डिफरेंट चीज़ दिखाता हूँ, अमेजिंग चीज़ आपको रुकी है। तो जैसे कि ये मेरी गैलरी आप देख रहे हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पे भी करते हैं, 90% चांस दिए मैं खुद के मटेरियल जो कि खुद आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बाय करते हैं 11 100, ये मेरा रिसेंट आईएएस का रिजल्ट है, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल का, जो कि बच्चे का बहुत बढ़िया स्कोर किया था इसने 6 फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। इसको सेम क्यू कार्ड आया था, जो भी स्पीकिंग इसने की थी उन 16 Q कार्ड में से इसको आया था, डेफिनेटली बच्चे का स्कोर बहुत बढ़िया आया। एज वेल एज मेरे पास फुल मटीरियल अवेलेबल है राइटिंग, और जो भी बंदा इसे बाय करना चाहता है मेरे से बाय कर सकता है। तो कुछ बंदा ये मत बोलेगा सर सेल के लिए बना रहे हो, देखो इंपॉर्टेंस ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ है, आप 13,000 एक एग्जाम पर स्पेंड कर रहे हो, 20,000 माने को साहब के 2 मंथ्स की इंस्टीट्यूट की फीस भी आपने पे किया। ओके, तो अगर आप कुछ मटेरियल बाय करके आपके पास आइडियाज बेटर वोकैबुलरी आया है यार, फर्स्ट अटैम्प्ट अपना स्कोर कर जाते हो, आपकी कितनी मनी सेव हुई। आप दूसरी साइड क्यों जाते हो, नेगेटिव साइड क्यों जाते हो, पॉजिटिव साइड में क्यों नहीं आते कि हमारा स्कोर बढ़िया आ गया, हमें टॉपिक सेम मिल गया, आइडियाज मिल गई, वोकैबुलरी मिल गई, अटैम्प्ट का सेक्शन मिल गया, तो आपका स्कोर कितना बढ़िया आ सकता है जस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट। सेकंड टाइम की क्यों सोच रहे हो कि भाई सेकंड टाइम फिर से कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ये सोच कर आते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, फिलहाल एग्जाम का आइडियस का एग्जाम देकर देख लेते हैं, देख लेने में कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे फर्स्ट टाइम करना चाहता है, उसकी प्रिपेरेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ये मटेरियल बाय कर सकता है एंड अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता है, अच्छा स्कोर भी ले सकता है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।